हाय गाइस, ये अभी जो पोएम आपके सामने है, अभी ये है डेफोडिल्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी। बच्चों ने बोला कि बहुत टफ पोएम है, समझ में नहीं आई है, तो मैंने कहा ठीक है, इसी के ऊपर बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए, अब थोड़ा सा पोएम का एक बैकग्राउंड बता दूँ। पोएम क्या है, पोएम में जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट है। इंग्लिश पोएट मतलब जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये बहुत ही बड़े लवर थे नेचर और ब्यूटी के। ठीक है, इनको बहुत बड़ा लवर माना जाता है नेचर का और ब्यूटी का। तो इस पोएम में ये एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इनको डेफोडिल्स दिखाई दिए। डेफोडिल क्या है, डेफोडिल एक फूल का नाम है। ठीक है, एक फूल है इंग्लैंड में जिसको हम डेफोडिल बोलते हैं। तो इस पोएम में ये एक ऐसी एरिया में खड़े हैं जहाँ बहुत सारे हजारों फूल हैं डेफोडिल के, और ये डेफोडिल्स की ब्यूटी को देख के मेसमराइज हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इन पे किसी ने जादू कर दिया है उसकी ब्यूटी की वजह से, डेफोडिल्स फूल की। तो ये जो पूरी पोएम है, इसमें जो नेचर है, जो डेफोडिल्स फ्लावर्स की ब्यूटी है, ये उसको उसकी उसी को डिस्क्राइब किया गया है पोएट द्वारा। तो आप स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, देखते हैं क्या मतलब है। आप समझ सकते हो इस पोईम में, स्टार्टिंग में ही बता दूंगी, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो सामने, समझ लो ऐसे ही किसी जगह पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पोएट खड़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए, इमेजिन करो कि पोएट यहाँ खड़ा है, तो उसे सामने ये डेफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पहाड़ हैं, और ये यहाँ पे क्या है, ये एक लेक है। ठीक है, तो इस सामने अब यहाँ से आप इमेजिन करो पोएट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी से अब आपको समझ में आएगा, आइडिया लगेगा कि पोएट क्या देख रहा है, और जो उसने देखा है उसको उसने किस तरीके से पेपर पे उतारा है, किस तरीके से उस पोएम को लिखा है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहली लाइन है, आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है, ये इसको हम बोलते हैं स्माइली। ठीक है, स्माइली का मतलब क्या होता है पोएम्स में, ये एक्चुअल में एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। स्माइली का मतलब होता है जब आदमी अपने आप को किसी और चीज से कंपेयर करता है। तो यहाँ पे पोएट ने अपने आप को कंपेयर किया है एक क्लाउड से, एक बादल से। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे बादल लोनली घूमते हैं, ठीक है, ऐसे मैं भी लोनली घूम रहा था। ठीक है, और आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वॉल्स एंड हिल्स। मतलब वो बता रहे कि जैसे कि क्लाउड होता है, ठीक है, जो क्लाउड जो लोनली घूमता है, कहाँ घूमता है, ऐसे जैसे हिल्स के ऊपर और माउंटेन्स के ऊपर से निकलता है। वो कह रहा है ऐसे ही जैसे क्लाउड घूमता है ना लोनली अकेला, ऐसे ही मैं भी अकेला घूम रहा था पहाड़ों के पास। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है, इसको स्माइली बोलते हैं, जब अपने आप को आप कंपेयर कर रहे हो किसी और चीज से। यहाँ पे पोएट ने अपने आप को कंपेयर किया है क्लाउड से, जैसे क्लाउड्स घूमते हैं पहाड़ों के ऊपर माउंटेन्स के ऊपर, ऐसे कह रहे हैं मैं भी अकेला घूम रहा था वहां पहाड़ों के और माउंटेन्स के पास। फिर वो कह रहा है मैंने क्या देखा, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, ठीक है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। अब वो कह रहा है कि एकदम से फिर मेरी नजर कहाँ पड़ी, एक क्राउड पे। क्राउड क्या है, ये इस क्राउड की बात कर रहा है, इसने क्राउड देखा डेफोडिल्स फ्लावर्स का। ठीक है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ये देखिए गोल्डन कलर के होते हैं डेफोडिल्स। तो वो कह रहा है मेरी नजर पड़ी एक बहुत सारे क्राउड पे जहाँ पे गोल्डन कलर के डेफोडिल्स फ्लावर्स थे। ठीक है, कहाँ पे थे ये, बिसाइड द लेक, देख सकते हो आप, बिसाइड द लेक है, बीनीथ द ट्रीज, ये ट्रीज है यहाँ पे आसपास। ठीक है, ट्रीज के आसपास है और लेक के आसपास है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग का मतलब समझते हो, जैसे चिड़िया होती है ना, चिड़िया चिड़िया अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाती है। ठीक है, मान लो ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया के पंख है दो, तो ये इसको पंखों को ऊपर नीचे करती है ना, ऐसे पानी डाल दोगे चिड़िया पे, तो रेनी सीजन में चिड़िया जैसे अपने पंख फड़फड़ाती है, उसको फ्लटरिंग बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो डेफोडिल्स के फ्लावर है, पोएट कह रहा है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, अब ये जो चीज है फ्लटरिंग और डांसिंग इन द ब्रीज, इस चीज को बोलते हैं परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन क्या होता है, किसी एक तरीके से नॉन लिविंग चीज को हम थोड़ा लिविंग चीज से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अब ऐसा थोड़ा ना कि अपॉर्चुनिटी कोई आदमी है जो डोर पे आके नॉक करता है, लेकिन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी क्या एक तरीके की नॉन लिविंग चीज है। ठीक है, वो आके ऐसा नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी जैसा कोई आदमी आके नॉक करता है डोर पे, बट फिर भी हम यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, तो ऐसी इसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, अब ये फ्लटरिंग, अब ये कोई जो फ्लावर्स हैं ये बर्ड्स थोड़ा ना है जो फ्लटर करेंगे, लेकिन फिर भी
इसमें समझाया गया, इसको पर्सोनिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। डांसिंग, अब ये आदमियों की तरह डांस तो करेंगे नहीं, इंसानों की तरह फ्लार, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इसने कंपेयर किया है, ठीक है। फ्लावर्स को समझाने, पोइट्री एक्सप्रेशन में से पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। लिटरली ऐसा हो नहीं रहा है कि ह्यूमंस की तरह वो फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा बोला जाता है, ऐसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है, जब हवा चलती है, ब्रीज, क्या एक अच्छी सी हवा चलती है, थोड़ी बहुत स्मूथ सी विंड चलती है, तो जब ये स्मूथ सी विंड चलती है तो ये फ्लटर करते हैं बर्ड्स की तरह और डांस करते हैं जैसे ह्यूमंस डांस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है पोइट यहाँ पे, सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में ये है। फिर कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, फिर तो यहाँ पे दोबारा एक एक वो हो गया है पर्सोनिफिकेशन, स्टार से कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे स्माइली भी है, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है यहाँ पे किससे किया गया, फिर एक दूसरी चीज से कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और ये एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि शाइन ऐसे नहीं करते स्टार्स की तरह, लेकिन समझाने के लिए करा जाता है, एक्सप्रेशन है। तो ये सब चीजें, जैसे मैंने बोला स्माइली, पर्सोनिफिकेशन, ये सब चीजें पोइम्स में यूज की जाती हैं, ठीक है, अपने आप को एक ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए। तो कह रहे हैं ये जो फ्लावर्स थे ऐसे स्टार्स की तरह शाइन कर रहे थे, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे कुछ नहीं है, जैसे बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, हमारा जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, हमारी जो गैलेक्सी है उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे एक मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी है। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बहुत सारे, समझ लो सारे एक साथ लाइन में स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे डेफोडिल्स भी ऐसे लगे थे लाइन में, जैसे कि स्टार्स लगे हुए हैं लाइन में, जैसे तारे लगे होते हैं, तारे तारे लगे हुए हैं, तो मिल्की वे से कंपेरिजन कर रहा है। जैसे स्टार्स एक लाइन में लगे होते हैं गैलेक्सी में, मिल्की वे में, ऐसे यहाँ पे डेफोडिल्स लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, और ट्विंकल कर रहे हैं, जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना, ठीक है, आपने पोएम पढ़ी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे ही ट्विंकल कर रहे हैं, चमचमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो पोइट को हो एग्जैक्टली है नहीं, ये पोइट की एक्सप्रेशंस हैं जो वहां पे खड़ा हुआ है, उस ब्यूटी को देख रहा है फ्लावर्स की। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, वही वो बता रहा है, ठीक है, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। अब यहाँ क्या क्या मतलब है? बे का मतलब होता है एक, ये जो होती है, ये शोर होता है ना, ये जो, अब अगर आगे चलता जाए चलता जाए चलता है, तो क्योंकि ये यहाँ तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेक लंबी चलती जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये शोर होता है, सी शोर जैसा होता है, ठीक है, ये लेक के आसपास का जो शोर है। तो कह रहा है कि ये चलते जा रहे हैं, स्ट्रेच हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, या ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, स्ट्रेच होते जाएंगे, ठीक है। दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन, ऐसा लग रहा है वो खड़े होकर देख रहा है कि ये जो लाइन है कभी एंड ही नहीं होगी, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है, मैंने बताया ना, सी मतलब इसकी मार्जिन पे, साइड में, मार्जिन पे, मार्जिन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। बे मतलब एक तरीके का समझ लीजिए वो सी शोर ही है। 10,000 आई सॉ आई एट अ ग्लांस, वो कह रहा है कि मैंने एक बार में कितने वो देखे डेफोडिल्स, 10,000, 10,000 देखे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है उसने 10,000 देखे, इसको हम बोलते हैं जनरली हाइपर बोले, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, हाइपर बोले मतलब कि इसने बढ़ा चढ़ा के बोला है, क्योंकि क्या होता है जब आदमी पोइट्री करता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, जैसे कि मैं चांद पे पहुंच गया, मैं तारों पे पहुंच गया, पहुंच नहीं गया है वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है पोइट का, ठीक है। तो इसे, इस तरीके की चीजों को हाइपर बोले बोला जाता है, जरूरी नहीं है 10,000 ही देखे हो उसने, लेकिन वो एक्सप्रेस इतना ज्यादा वो खो गया है उस टाइम पे ब्यूटी में कि वो एग्जेजरेट करता है, बढ़ा चढ़ा के बोल देता है आदमी, ठीक है, कि जैसे मैं चांद पे पहुंच गया, मैं तारों पे पहुंच गया, पहुंच नहीं गया होता, लेकिन वो एक्सप्रेशन करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका है। फिर वो कह रहा है टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्रिंकली स्प्राइटली डांस, वो कह रहा है फिर वही टॉसिंग मतलब होता है इधर उधर मूव करना तेजी से, ठीक है, जैसे सिर हिलाते हैं ना हम तेजी से इधर उधर लेफ्ट राइट, वैसे ही वो कह रहा है कि ये जो फ्लावर्स थे ये अपना हेड मूव कर रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है ऐसे डांस कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला यहाँ खड़ा था तो समुद्र के पास के आस, लेक के आसपास का यहाँ पे वेव्स आती हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि जो फ्लावर्स हैं इसके आसपास जो लेक में वेव्स उठ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है डांस कर रही हैं, ठीक है। बट दे, दे का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर्स हैं डेफोडिल के, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो कह रहा है कि जो लेक्स में, जो पानी में वेव्स उठ रही हैं, उसके भी, उसको भी, इनकी जो फ्लावर्स, डेफोडिल के फ्लावर्स हैं, उसकी जो चमक है उसने उसको क्या कर दिया है,
पीछे छोड़ दिया। मतलब डेफोडिल्स की फ्लावर्स की चमक इतनी है कि जो वेव्स उठ रही हैं उसकी ब्यूटी को भी उन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, इन ग्ली मतलब होता है कि एक तरीके की हैप्पीनेस में, खुशी में, क्योंकि फ्लावर्स इतने खुश हैं उस टाइम पे, ठीक है, कि जो वेव्स की जो वेव्स उठ रही हैं उसकी ब्यूटी को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी, मतलब वो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि पोएट कह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय खुश होने के, क्योंकि इतनी अच्छी चीज देख रहा हूँ सामने, खुशी के अलावा और कोई वो नहीं है। इन सच अ जोकाउंड कंपनी, जोकाउंड मतलब हैप्पी है, वो कह रहा है इतनी अच्छी जगह पे हूं मैं, इतनी खुशी यहाँ देख रहा हूँ, मतलब सामने इतना अच्छा मेरे नजारा है, ठीक है, इतना मेस्मराइजिंग व्यू है, साइट है, कि मेरे पास खुश होने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने, गेज मतलब होता है बहुत आंखें गड़ा गड़ा के, कह रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देखता जा रहा हूँ, बहुत ही आंखें गड़ा गड़ा के देख रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, और कोई थॉट ही नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ उसको, मतलब वो कह रहा है बहुत ज्यादा खुश हूँ इस टाइम पे मैं। ठीक है, और फिर वो इसका मतलब क्या है, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, वो कह रहा है उस जिस टाइम पे मैं खड़ा था, अब ये थोड़ा सा आगे की बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं वहां से चला गया और फिर जब मैंने सोचा, ठीक है, बैठ के, कि वो जब मेरे दिमाग में थॉट आया, रहे मैं डेफोडिल्स के पास खड़ा था, तो कह रहा है कि सच में वो इतना ज्यादा खुशी भर देने वाला थॉट था, इतनी हैप्पीनेस थी उस टाइम पे मुझे, कि उस टाइम मैं नहीं सोच पाया, लेकिन जब मैं घर आया तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे जो मैंने वहां डेफोडिल्स देखे उससे कितना ज्यादा मेरे को खुशी मिली थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये है, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। फिर वो कह रहा है, कभी कभी और जब मैं अपने सोफे पे, काउच मतलब सोफे पे जब लेटता हूँ, ठीक है, जब लेटता हूँ आराम करता हूँ, कब वैकेंड मतलब जब मैं खाली होता हूँ, या फिर जब मैं बहुत पेंसिव मूड मतलब थॉटफुल जब सोचता हूँ, कभी मैं अपने सोफे पे बैठ कर आराम से बैठ के सोचता हूँ, ठीक है, और आंखें बंद करता हूँ, और जब मैं इमेजिन करता हूँ तो मेरे अकेले में बैठ के, ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में बैठ के, जब मैं इमेजिन करता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ, इसलिए आंखें बंद करके जब मैं इमेजिन करता हूँ तो यहाँ इनवर्ड आई है, ठीक है, तो मुझे वो जब डेफोडिल की वो का साइट या आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा चीज हुई हो, या अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ हो, तो जब भी आप बैठ के आंखें बंद करेंगे और उसको याद करेंगे तो आप बहुत खुश होंगे अकेले में बैठ के। तो वही यहाँ पे वो बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं सोफे पे लेटा, जब भी मैं थॉटफुल मूड में आता हूँ अपनी आंखें बंद करता हूँ और मैं उस इमेज को वापस रिकॉल करता हूँ, उस जो कंडीशन को वापस रिकॉल करता हूँ जब मैं डेफोडिल्स के पास खड़ा था, तो मेरा जो हार्ट है वो खुशी से भर जाता है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हार्ट है वैसे ही नाचता है जैसे कि डेफोडिल्स वहां पे नाच रहे थे। ठीक है, मेरा जो हार्ट है उस टाइम पे जब भी मैं उस साइट को वापस रिकॉल करता हूँ, ठीक है, तो मेरा हार्ट ऐसा लगता है सच में डेफोडिल्स के साथ ही नाच रहा है। ठीक है, तो ये पोइम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इस पोइम में कहीं ना कहीं इन्होंने डेफोडिल्स की ब्यूटी को और इसके नेचर की ब्यूटी को बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और एक बहुत ही पोएटिक वे में डिस्क्राइब किया, अच्छी पोएम है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा हो। वापस कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि और कौन सी पोइम्स पे आप चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं।